सो हेलो एंड वेलकम गाइस। इसी सुबह के साथ मैंने आज स्टार्ट किया है अपना गेम प्ले पाल वर्ल्ड का। भाई ये गेम अभी इतना ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो भाई आज हम ये गेम फिर से खेलेंगे, और आज हमारा जो मोटिव है ना, वो है हमारा एक और बॉस पॉकेमोन को मारना। मारना क्यों है, इसका रीजन मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। भाई ये ऐसी लोकेशन पे अवेलेबल है ना, जिस लोकेशन पे मैं अब तक 5 बार जा चुका हूँ और एक बार भी मुझे सफलता नहीं मिली। हर बार बॉस पोकेमोन और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स, क्योंकि उसी के मिनिएचर्स हैं भाई, वो मुझे किसी ना किसी तरीके से मार देते हैं। मेरे पोकेमोन्स भी हार जाते हैं और भाई मैं वापस आ जाता हूँ बिना कपड़ों के। भाई क्योंकि आपके ना वहाँ पे पोटली बन जाते हैं, जैसे कि VGMI में एक बक्सा बन जाता है, वैसे यहाँ पर पोटली बन जाती है आपकी डेथ होती है। बस आपको जाके वो पोटली क्लेम करनी होती है, अदरवाइज तो भाई समझो गया, सब कुछ गया। तो भाई मैं आज सारी चीजें करने के बाद वापस जाऊंगा उसी जगह पर बॉस पोकेमोन को खत्म करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको पूरा अपना बेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पोकेमोन्स काम कर रहे हैं भाई। यहाँ पे मैंने इनगॉट लगाए हैं बनने के लिए, इसके जिसका काम पूरा कर रहे हैं फोक्स पार्क। इसके बाद पूरी टेक्नोलॉजी है या पावर है आप कह सकते हैं हीट की। तो ये मेरी पोकेमोन है जो मैंने लास्ट में पकड़ा था, बॉस पोकेमोन है। इसकी वीडियो गलती से डिलीट हो गई थी तो मैं नहीं दिखा पाऊँ भाई, लेकिन ये पोकेमोन बहुत क्यूट है प्लस बहुत पावरफुल है। ये पोकेमोन हम दोबारा पकड़ेंगे और आपको जरूर दिखाएंगे कि कैसे पकड़ा था। गाइस अगर अब तक की वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि यार मैं डिजर्व करता हूँ इतनी सारी वीडियो बनाता हूँ। और भाई एक लाइक भी बनता है अगर आज हमने वो बॉस बॉस पोकेमोन पकड़ लिया और भाई मार दिया तो। पकड़ा तो नहीं जा रहा, पता नहीं वो कैसे, बट अगर मार दिया तो देख लेना भाई। अब हम लोकेशन पकड़ के यहाँ से निकल जाते हैं। मैं तुमको पहले मैप पे दिखा देता हूँ, मैप मैंने कितना ओपन कर लिया है। भाई मैप में पहले मेरे को लगता था जैसे जैसे बॉस पोकेमोन लाइक मारेंगे उसके बाद वो मैप ओपन होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है जितना ज्यादा आप मैप एक्सप्लोर करोगे मैप उतना ज्यादा आपके लिए खुलता जाएगा। भाई यहाँ पर 23 लेवल का, ये 15 लेवल का, ये मेरे से नहीं मरता यार। ये है 23 लेवल का पोकेमोन। आगे की तरफ और भी पोकेमोन है, एक मैंने मार दिया था वो 17 लेवल का था। जो कैट आप देख रहे हो उन पर 17 लेवल की है, तो भाई 15 लेवल नहीं मर रहा मेरे से। भाई ये है एलिफिरन 30 लेवल का। भाई 30 लेवल का एलिफिरन नहीं, ये मेरे पास ऑलरेडी एक है, मेरे पास जो एग्स होते हैं ना उसमें से निकला था। तो वो आपको बाद में दिखाऊंगा कि भाई उसका लेवल अभी क्या चल रहा है, वो क्या पिक कर सकता है, क्या क्या उसकी पावर्स है। और तो फिलहाल हम जा रहे हैं अपने 15 लेवल वाले पैंकिंग को स्पैंकिंग करने। तो इसको पकड़ के लाना है कैसे भी करके। भाई इस लोकेशन पे हम लोग आ जाते हैं, पूरे लाल कलर के पेड़ है यहाँ पे। तो भाई लाल कलर के पेड़ काफी सही लगते हैं यार, ऐसे लगता है जैसे ऑटम विंटर का सीजन चल रहा है। इसके कपड़े भी उसी तरीके के पहने हुए। तो भाई एक बॉल मैंने वेस्ट कर दी है। मैंने अपना जो पोकेमोन है हॉग राइडर, अगर आपने क्लैश ऑफ क्लैन खेला तो हॉग राइडर ज्यादा अच्छा नाम है इसके लिए। बट इसका जो एक्चुअल नेम है वो है, क्या नाम है इसका, है कुछ तो है, इसका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा उसके पास है, रश और, रश और नाम है इसका। मैं यहाँ आ गया ऊपर लोकेशन पे, ये है सील्ड रियल एम ऑफ द फ्रोजन रिंग्स। इस लोकेशन के इसके अंदर है वो, मुझे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। पहले वापस बुला लेता हूँ अपना ये कैट लेकर, हम सबसे पहले अटैक करेंगे। ये मेरे पास सबसे पावरफुल पोकेमोन है अभी तक ये कैट। भाई इस कैट के साथ हम लोग जाते हैं अंदर, और भाई अंदर आपको दिखाते हैं कि क्या सीन चल रहा है। भाई अंदर एंटर करते ही सामने की तरफ अभी प्रकट होने वाले हैं महाराज। यहाँ पे पीछे लोकेशन घूम लेता, वो छुटने उठने गया था नहीं भाई। तीन उसके पास छोटे छोटे पेंगुइन है, और एक वो बड़ा है विकसित होने के बाद जो पेंगुइन बनता है ना वो है वो पोकेमोन। और भाई ये 15 लेवल पे है, खतरा सिर्फ इससे नहीं, बाकी जो तीन उसके पेंगुइन है ना वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनके पास भी काफी सारी पावर्स है। और भाई इसका नाम है पैंकिंग, और बाकी जो छोटे छोटे उनका नाम है पेंगुलेट। तो ये मैंने अपनी कैट तो छोड़ दी इन पे लड़ने के लिए भाई, लेकिन वो बाकी जो तीनों वो भी अटैक कर रहे हैं। और बाकी तीनों के चंगुल में आ गई है मेरी कैट, और भाई बस वो हवा में टूट गया है, उसको हवा में फ्रोज कर दिया था उसे। भाई लेकिन मेन पैंकिंग का है, देखिए मेरा भाई मेरे पे इतना अटैक किया। ओके भाई पैंकिंग है पूछे, मेरा पोकेमोन छोड़ के भाई इसने मेरे पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। भाई ये अगर ऐसे चलता रहा ना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा इस बार भी। पिछली 5 बार से मैं हारता जा रहा हूँ, इस बार ऐसा नहीं कर सकते। पकड़ने का ट्राई तो जरूर करूंगा अगर पकड़ा जाएगा तो। अभी ट्राई चल रहा है 14%, 14% भाई 14% से तो ऊपर जा ही नहीं रहा है। वैसे मैंने एक बॉल ट्राई कर दी है, दूसरी बॉल भी मैं ट्राई कर देता हूँ। और भाई मैंने फिर से कैट छोड़ दिया, कैट की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, बिल्कुल रेड हो चुकी है। और भाई पेंगुइन जो है हमारा पैंकिंग, उसकी पावर आधी हुई है, हमारी जो कैट है उसकी पावर ऑलमोस्ट खत्म होने को आई है। लास्ट के कुछ अटैक बाकी है हमारी कैट के पास। भाई फ्रंट से तो 6% चांसेस होते हैं इसको पकड़ने का, भाई फ्रंट से तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है बॉल यार। 6% चांसेस थे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बॉल जा रही है वेस्ट। भाई कुछ ना कुछ करके इसके पीछे जाना पड़ेगा यार, भाई ये अटैक तो इस पिलर ने रोक लिया वरना तो बस गया था। और भाई एग्जैक्ट सेम पोकेमोन मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, मेरा पोकेमोन भी 15 लेवल सर उतना बढ़ नहीं है यार, वो भी लेवल 3 में, ये भी लेवल 15 बट सेम क्यों नहीं है। और भाई मैं जंप चुका हूँ इस टाइम पे 3 अटैक के साथ, पता नहीं भाई कहाँ जाकर कर ये जंप। और भाई ये फिर से एक्सेप्ट नहीं बॉल, ये फिर से नहीं हुई भाई, और ये मेरी पेटी बन गई। ये जो पोटली आप देख रहे हैं भाई, ये पोटली आपकी बनेगी जब भी आपकी किसी गेम में डेथ हो जाती है। भाई ये आपको मिलेगी सेम इसी जगह पे, लेकिन आपको उसके लिए अंदर नहीं आना पड़ेगा, आपको बाहर ही दे दी जाएगी। बिकॉज ये बाहर के लोगों का कुछ नहीं रखते हैं, ये पोटली वोटली सब उठा के बाहर करते हैं। भाई आप देख सकते हो बिना कपड़ों के छोटी सी थैली लटकाई हुई, मैं वापस पहुंच चुका हूँ। और भाई यहाँ पर दिमाग खराब हो गया बहुत ज्यादा। हम जा रहे हैं वापस अपनी पोटली उठाने के लिए, क्योंकि और कुछ तो बचेंगे हमारे पास, पोटली उठाएंगे क्योंकि उसमें जो भी हमारे लिए बचा होगा भाई वो चीज़ें ले लेते हैं वापस, क्योंकि हमें एटलीस्ट पावर तो चाहिए। पावर नहीं चाहिए तो सेफ्टी तो चाहिए, एटलीस्ट कपड़े तो वापस चाहिए। हम वापस उसी लोकेशन पर आ गए हैं, अकेले का कोई पोकेमोन नहीं निकाल रहा इस बार, क्योंकि पोकेमोन भी देखेंगे तो हंसेंगे यार मेरे पे। तो क्या करवा क्या है, ये वो लोकेशन है अंदर तो मैं नहीं जाना है। ये रही पोटली, ये रही वो पोटली, इसको लेकर हम वापस जाएंगे। पहले सारा सामान उठा लेते हैं यहाँ से।
इसको इक्विप कर लेते हैं, जो चीज़ जहाँ पर थी वहीं पर लगा लेते हैं, कपड़े हो गए, तो थोड़ा खाना खिला देते हैं बच्चों को। कैट तो पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, इसको दोबारा से चेंज ही करना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें लगाने के बाद मेरे जितने भी आमर्स थे वो सारे डैमेज हो गए, यहीं छूट गए थे, इन्होंने सारी चीज़ें तोड़ ताड़ के बाहर फेंक दिया। तो ये है हमारा स्पिरिट टावर जिससे हम वापस जाएंगे, क्योंकि तो अभी फिलहाल मेरा लड़ने का मूड भी नहीं है और मेरे पास पोकेमोन भी नहीं है। फाइनली एक मशरूम खाने के लिए मिल गई, मशरूम उठा लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं सीधा घर वापस। वहाँ पर थोड़े बहुत पोकेमोन चेंज करेंगे और फिर दोबारा आएंगे इसे लड़ने के लिए, और इस बार मारने के हिसाब से आएंगे, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं। वह कैट को तो चेंज ही कर देते हैं, कैट की हालत तो और भी खराब है। डॉग हटा दिया हमने, एक कटीवा ले लेते हैं अपना 17 लेवल का, और कैट हटा देते हैं, कैट की जगह पे ले लेते हैं हम लोग चिली एट। चिली एट मेरे पास एक बॉस पोकेमोन है जो मैंने लास्ट एपिसोड में मारा था। लास्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हो भाई मैंने कहाँ पर किस लोकेशन पे कैसे मारा था, मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे जाना है उस वीडियो तक। अपने सारे आर्मर्स को रिपेयर कर लेते हैं, रिपेयर ऑल एंड जितना भी मटेरियल को लगेगा वो लगा देंगे, बहुत मटेरियल है मेरे पास। सारा का सारा आर्मर हमारा हो गया है रिपेयर, और भाई अब हमें बस थोड़ी सी चीज़ें और बनवानी है। इसे मैंने एक मैं आपको ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ है ना, आपको मान लो आपका बहुत सारी वुड है या वुल है भाई, आप उसको कुछ ना कुछ बनाने पे लगा दो। जैसे मैंने 71 क्लॉथ लगा दी, अभी मेरे पास बहुत सारी फैब्रिक है बहुत सारा, तो मैंने 71 क्लॉथ लगा दी है बनाने के लिए। इसको थोड़ा सा स्पीड फॉर लाइक स्पीड फास्ट कर देता हूँ मैं, स्पीड फास्ट नहीं होता बस फास्ट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो जो भी कपड़े ये बना रहे हैं ना, यहाँ से लैंबल आएगा लेकर जाएगा और स्टोरेज वाले बॉक्स में रख देगा इसे। सो फाइनली हमारे पास सिर्फ 8 क्लॉथ बचे हैं जो कि बनाने बाकी हैं। इससे आपका फायदा क्या होता है, अगर आप लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में देख पा रहे हो, तो भाई जितने काम आपका ये पोकेमोन करेगा उतना ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आपके सारे पोकेमोन को जो आप कैरी कर रहे हो, और भाई उससे आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाएगा, लेवल इंक्रीज होते जाएंगे भाई। इससे आपके लेवल इंक्रीज होते हैं और भाई लेवल इंक्रीज होने से आपके पोकेमोन और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो भाई फिलहाल थोड़ा थोड़ा खाना खिलाने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। भाई अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सुबह सुबह हमने डिसाइड किया कि अब हम इन पे दोबारा से अटैक करेंगे, और भाई इस बार हमारा मोटिव ये नहीं होगा कि हमें वो पोकेमोन पकड़ना है, हमें वो पोकेमोन मारना है यार। इस पोकेमोन में इतना ज्यादा दुखी हो चुका हूँ भाई कि अब मुझे बस इसको खत्म करना है कैसे भी करके, क्योंकि यार मैं 17 लेवल के कैट को करके ला चुका हूँ, लेकिन मैं 15 लेवल का स्पैंकिंग नहीं मर रहा। इस स्पैंकिंग को स्पैंकिंग के बिना मैं नहीं जाने वाला हूँ आज भाई। इसके 3 पेंगुइन और इसका स्पैंकिंग का पेंगुइन करने वाला हूँ भाई। सेंटर करते हैं फटाफट, कैट को रखते हैं फ्रंट में, कैट से ही अटैक करेंगे। कैट हमारी पूरी रात में रिवाइव हो गई थी, तो इससे पहले कि सामने आए कुछ करे, लेट्स अटैक। की जो पावर है 1671 है, और आई थिंक मेरी कैट की जो पावर है 2000 है भाई। ग्रीन टेल जो है मेरी कैट, इसकी पावर 2000 है। फिर ये हार कैसे जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो 3 पेंगुइन और अटैक कर रहे हैं ना, वो उसकी पावर खा जाते हैं ना। तीन तीन मैंने इसमें बाण चलाए, उसके बाद भाई इसकी स्पीड ऑफ अटैक तो काफी ज्यादा अच्छा है यार। स्पैंकिंग जो है ये स्पैंकिंग अच्छी कर देता है इंसान की, वो बढ़िया अटैक किया इसने। मैं इस लोग पीछे से भी अटैक हो रहे हैं, और मैं पता क्या करूँगा, मैं दूसरे पोकेमोन को रेडी कर लेता हूँ, इससे पहले कि इसको कुछ होना मैं दूसरा पोकेमोन उसका अटैक करने के लिए छोड़ दूंगा। दूसरा पोकेमोन छोड़ना चाहिए हमें, आई थिंक एक पैंकिंग मैं भी रेडी कर लेता हूँ। पैंकिंग उनके पास है, मतलब वो खुद पैंकिंग है तो मेरे पास ही पैंकिंग है भाई, मैंने भी पैंकिंग छोड़ दिया है। उनका भी 15 लेवल का, मेरा भी 15 लेवल, तो भाई वो अटैक कर रहा है बिल्कुल सही। 609 इसकी पावर बाकी है इस पैंकिंग की, और भाई मेरे पर अटैक हो गया है, मेरी पावर अचानक से गिरती जा रही है। भाई इसने फिर से एक्सेप्ट नहीं किया, ऊपर जाने से कुछ नहीं हुआ भाई, नीचे ही रहे नीचे ही रहे नीचे ही रहे भाई। मेरे वाले टैंकिंग तो हो रहा अटैक लगातार, खत्म होने वाला धराशायी हो चुका है भाई। 12% 12% 12%, पिछली बार 14% तक पहुंचे थे, 12% पे ही रुक गया है सब कुछ भाई। पोकेमोन छोड़ो यार, कैटीवा छोड़ दिया भाई मैंने, कैटीवा 17 लेवल का छोटा सा पोकेमोन है भाई, लेकिन इसका जो अटैक है ना वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि मैं पूछूँ। तो बाकी जो पेंगुलेट है ना वो भी 11 11 लेवल के हैं यार, तो उनको ये मत समझता है उनके अंदर कोई पावर नहीं, पावरफुल ये भी है भाई। कैप्चर हो रहा है 16%, 48% से वापस आ गया है। इस बार तो बहुत आराम से मिलने वाला था बट फिर भी चला गया आज से, दिस इज नॉट एट ऑल फेयर भाई। मेरा पेंगुइन जो है ना बिल्कुल, मतलब मेरा पेंगुइन बन गया है पैकिंग को पकड़ने के चक्कर। भाई इतनी देर में मैं कुछ खाना खाने आया था या दवाई पी रहा था, इतनी देर में भाई उसने मार दिया। चिलियट जो है काफी तगड़ा पोकेमोन है, और ये भी पानी का पोकेमोन है, इसलिए पानी के पोकेमोन से अच्छे से लड़ पा रहा है। क्या हम इन छोटे छोटे पेंगुइन पर अटैक करें या फिर मैं चिलियट को वापस बुला दूँ भाई? वो अच्छा खासा अटैक कर रहा, दोनों को पेलने वाला बस। लेकिन भाई एक पेंगुइन मेरे भी अटैक कर रहा है, नहीं, इससे पहले मैं दोबारा पोटली बनूँ, इससे पहले निकल जाता हूँ यहाँ से। सो गाइस फाइनली हमने इस पैंकिंग को स्पैंकिंग करके हमने इसको सबक सिखा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, और भाई कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप ये गेम खेल रहे हो तो कौन से लेवल पे हो आप अभी, और आपने अभी तक का सबसे बढ़िया पोकेमोन कौन सा पकड़ा है, और कौन सा पोकेमोन सबसे ज्यादा पावरफुल आपके हिसाब से। फिलहाल चलते हैं वापस अपने बेस पर।
किया गया मुझे बेस पर। और भाई अभी क्या करना चाहिए, एक स्टैट पॉइंट हमें मिला है उस बॉस को फोन कमाने का, बट भाई ये मैस कैसे कर रहा दिन में, भाई काम करो काम, ऐसे थोड़ी खाना खिला तुम, तो इसको काम पे लगाया बट ये ढीठ है काम करेगा नहीं। तो भाई हम चलते हैं फिलहाल अपने एक्स के पास, एक्स ने हमने दो पोकेमॉन लगा रखे थे, एक का हो गया कंप्लीशन इसको मैं, वो भाई सिलेरी मिला है, सिलेरी सिलेरी एक पोकेमॉन है जो कि उड़ता है और इसकी मदद से हम लोग ऊपर से नीचे तक आ सकते हैं, उसके लिए हमें उसकी जो क्या कहते हैं हडल चाहिए होगी, हडल सेटल सेटल होता है इंग्लिश। तो भाई तीन पोकेमॉन मेरे धराशायी हो गए थे उस पोकेमॉन को पकड़ने के चक्कर में, इन तीनों को रिप्लेस कर लेते हैं फिर यहीं पर जाकर रेस्ट कर पाएंगे। अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर वालों का रखो ध्यान और आप सबको राम राम। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ जरूर बता देना, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी प्लीज़ बता देना क्या बनाना चाहिए। बाय बाय।